फाइनली मेरा मोस्ट अवेटेड पैकेज आ चुका है यार। ओ वाह, इसमें थाईलैंड इंपोर्टेड काम्फा है, ऐसे तो दो आए हैं यार। वाह कितना ब्यूटीफुल है। वाह यार क्या पानी है। कॉर्नर में मार। ओ ये दिखाई कौन सा है? नहीं स्नेक हेड है कि क्या है? गोरा है मस्त एकदम टक। हे दोस्तों, एक नया चीज लेकर आ चुका हूँ और आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। मेरे पास आया हुआ है थाईलैंड इंपोर्टेड काम्फा। जी हाँ दोस्तों, दो फ्लावर हॉर्न्स है और दोनों ही काम्फा है, बिल्कुल बढ़िया और प्राइस है। और कैसे मिला मुझे, कितने प्राइस में मिला, कहाँ से मिला, कहाँ से ऑर्डर किया, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। उसके साथ एक बैटा आया हुआ है एंड आई थिंक दो पेयर्स ऑफ इंपोर्टेड गप्पीज भी आए हुए। तो ये जो पार्सल आप देख रहे हो ना, ये डिलीवरी ऐप से किया गया है और जिन्होंने मुझे पार्सल किया उनका नाम है हीरक गायन एंड उनका जो अकाउंट है वो है एच एम एक्वाटिक्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पहले आपको कलेक्शन दिखा देता हूँ। मैंने एक्चुअली खोल लिया और आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हो सब कुछ मैं बताता हूँ, प्राइस वगैरह। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुका है आज एक और पार्सल जिसमें फ्लावर हॉर्न है गाइस, फ्लावर हॉर्न के फ्राइज है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड डर भी रहा हूँ और ये डिलीवरी से आया हुआ है, देख पा रहे हो। तो इसको खोलते हैं पहले, ठीक है। एंड एच एम एक्वाटिक से आया, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, पहले से खोल लेते हैं यार क्योंकि माय गॉड, फ्लावर हॉर्न का जो पार्सल है ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया हुआ है, मतलब फ्राइज है और वो भी इम्पोर्टेड फ्राइज है, कुछ ना हो बस गाइस। तो दोस्तों पैकेजिंग तो सही है और आप देख पा रहे हो कि डिलीवरी ऐप से ना ये मुझे 5 दिनों में ही डिलीवर हो गया था और ये हीरक गायन ने दिया है जिसका मैंने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना है तो अभी कीजिए। तो दोस्तों मैंने खोल लिया है एंड ओ वाओ ओके, ये देखो दोस्तों कितना प्यारा फ्राई है। जल्दी से अभी इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, देखते हैं सेकेंड वाला इसमें। ओके बेटा तो रहेगा ही, ये देखो ये बेटा भी कितना प्यारा है, बेटा तो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा मुझे पता है। अब यहाँ पे देखते हैं ये, ओ वाओ नाइस मैन नाइस, सब सर्वाइव कर रहे हैं। पहले इनको डालना पड़ेगा, ठीक है, इनको डालते हैं हमारे 1 फीट के टैंक में, देर हो जाएगा वरना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ट्रैवल करके आए हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं आपको सब बताता। अरे इसमें क्या है, ओ वाओ वाओ, ये कौन से कपीस है यार, कलर्स भी आने लगे इसमें। ये आई थिंक बिल्कुल मेरे को सरप्राइज मिला हुआ है, सच में ये सरप्राइज ही है। इसमें कितने कपीस है, ओ ये तो कोई कपीस लग रहा है, मुझे पूछना पड़ेगा। इसमें आई थिंक 4 या 5 प्राइस है, वो इसमें सी थ्रू भी लग रहा है। चलो सब एक एक करके सामने से देखते हैं, इनको मैं ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी एक अपडेट देने वाला हूँ। ये एक रूम है जिसके बारे में बात बताने वाला हूँ और इस रूम में मैंने ये सेटअप किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1 फीट का एक टैंक है, यहाँ पे 1 फीट का टैंक है, रॉक सॉल्ट डाल के 1 वीक से जो है ये साइकिल हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में जाने वाला है हमारा काम्फा का फ्राई जो हमारा आया हुआ है थाईलैंड से इम्पोर्ट होकर, तो उन दोनों को यहाँ पे डालेंगे। एंड देन यहाँ पे एक लाइट लगा दिया, इसको भी हटाकर मैं यहाँ पे 2 अलग लाइट लगाने वाला हूँ। देन मैंने यहाँ पे एक एरेशन लगा दिया एंड यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया है, फिल्टर लगा भी सकते हैं बाद में देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने हीटर लगा दिया क्योंकि हीटर बहुत ज़रूरत है फिलहाल के लिए, हमारे फ्राइज बिल्कुल जर्नी करके आए, इसलिए मैंने हीटर वगैरह यहाँ पे लगा दिया है, टेम्परेचर सेट कर दिया अभी। एंड देन गाइस नीचे 2 एडिशनल छोटे छोटे गमले हैं, तो एक में हमारा बैटा जाने वाला है, ठीक है, इसमें हम बैटा को रखेंगे जो हमारा आया हुआ है। एंड इसमें हम अपने फ्राइज को रखेंगे जो 2 पेयर्स ऑफ फ्राइज है, आई थिंक एक हमारा सी थ्रू कोई है और दूसरा पेयर हमारा आई थिंक सेंटा क्लॉज का, जो दोनों यहाँ पे डाल देंगे। और ये दोनों भी जो 1 वीक से साइकिल हो रहे हैं फिलहाल, तो सभी फिश को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ फ्लावर हॉल तो ये में रहने वाला काम्फा एनीवेज, तो चलो फिश को यहाँ डालते हैं, एक्लिमेट करते हैं पहले। तो दोस्तों ये हमारे 2 काम्फा देख पा रहे हो, बिल्कुल छोटे और थाईलैंड से इम्पोर्ट होकर आए हुए हैं। तो मैं एक को पहले यहाँ एक्लिमेट कर देता हूँ, काफ़ी टाइम से जो ये जर्नी करके आए हैं यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस छोड़ने के लिए और देखना चाहते हैं लोग अच्छे से। एंड एक को यहाँ पे एक्लिमेट करते हैं, ठीक है, और बाकी फिश लेके आता हूँ। सो ये हमारे बाकी फिश, ये देखो कितने छोटे फ्राइज है, आई थिंक ये 1 मंथ के होंगे शायद, कलर्स आ रहे हैं इसमें तो सी थ्रू है। और ये बेटा तो इतना एक्टिव है, रुको पहले मैं एक्लिमेट करता हूँ बेटा को यहाँ पे। भाई बेटा तो बहुत एक्टिव है यार, इसको क्लास टैंक में रखना पड़ेगा फिलहाल, तो इसको यहाँ पे एक्लिमेट करता है। एंड देन आमंड लिप भी डाल दूंगा थोड़ी देर के बाद। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, देखो ये सेंटा क्लॉज के फ्राइज है और 2 सी थ्रू के हैं, इनको भी एक्लिमेट करते पहले। चलो भाई, तो दोस्तों पहले एक्लिमेट हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर इनको हम रिलीज करेंगे और फिर सामने से देखेंगे। गाइस दूसरा वाला यहाँ देखो कितना प्यारा लग रहा है, वाह लेकिन सूट देखो कितना एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एकदम मस्त, इतना ट्रैवल करके आने के बाद भी बिल्कुल सही है यार। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, देखो पैटर्न भी देखो
कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड ये थाईलैंड इम्पोर्टेड है, बहुत सुपर एक्टिव है, बहुत सुपर एक्टिव है। तो गाइज मैंने वैसे दो मंगवाए थे, ठीक है, तो दोनों ही हमारे जो है ये रेड बेस काम्फा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, सिंस ये सब इंपोर्टेड है थाईलैंड से और आपके कलर पैटर्न क्वालिटी सब कुछ देख पा रहे हो। वैसे गाइज फ्लावर हॉर्न का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि इंपोर्टेड तो और भी ज्यादा हाई होता है। लेकिन गाइज ये आपको 800 से 900 के स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी कॉल कीजिए, उनसे पूछे कि अवेलेबल है या नहीं, उनके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर हॉर्न अवेलेबल है। अभी जो आप देख रहे हो तो काम्फा है, लेकिन गाइज आप लोग को यहाँ पे सुपर रेड F2 KML वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, येलो बेस भी मिल जाएगा। तो अभी कॉल कीजिए और पूछ लीजिए कि अवेलेबल है या नहीं। साथ ही में कुरियर वगैरह का टेंशन ही मत लीजिए, देखिए कितना सेफली आया हुआ है और मेरे पास दो आया हुआ है। तो ये आपने पहला वाला देखा, अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाता हूं। ये है दूसरा वाला और ये भी हमारा काम्फा है। तो गाइज अभी अभी हमने इनको छोड़ा हुआ है, तो स्ट्रेस में है अभी फिलहाल, तो थोड़े बहुत, लेकिन बिल्कुल एक्टिव है। मैं आपको दिखाने वाला थोड़ी देर के बाद, क्योंकि खाना भी बहुत अच्छी तरीके से खा रहा है। तो थोड़ा बहुत व्हाइट स्पॉट आया क्योंकि गाइज काफी ज्यादा वेरिएशन हुआ है टेंपरेचर में, आप लोगों को पता है, एक जगह से दूसरी जगह जब आते हैं और असल में वैसे भी बहुत ठंडी होती है। तो अभी मैंने हीटर वगैरह लगा दिया एंड दोनों ही टैंक्स जो है बिल्कुल साइकिल्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो है रॉक सॉल्ट डालकर इसको 1 वीक से साइकिल कर रहे हैं। तो टैंक की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों ने दोनों टैंक्स में हीटर भी लगा दिया है। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था, पहले से ही खाना शुरू कर दिया था, तो इससे तो ये पता चलता है कि दे आर नॉट सिक। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारे गप्पीज और मैंने चारों गप्पीज को यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे सेंटा क्लॉज गप्पी है एंड आई थिंक दूसरा सी थ्रू गप्पीज है, तो इनको थोड़ा बड़ा होने के बाद हम सेपरेट कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हमने डाला हुआ और खाना देंगे थोड़ी देर के बाद। एंड ये है हमारा व्हाइट बेटा, जिसका जो टेल है बिल्कुल कलरलेस है, आप देख पा रहे हो, मतलब कि बिल्कुल आर पार दिखता है वैसा ट्रांसपेरेंट टाइप का बेटा है। और इतना एक्टिव बेटा मैंने आज तक इतना एक्टिव बेटा देखा नहीं, सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा एक्टिव है। और इसको जब मैं यहाँ से ट्रांसफर करके टैंक पे रखूँगा ना, तब इसकी ब्यूटी आप देख पाओगे। अभी तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ क्योंकि मेरे पास टैंक है नहीं छोटा सा, तो इसके लिए अलग सा टैंक बना, बेटा को मैं फिर उस टैंक में ट्रांसफर कर दूंगा एंड गाइस आप लोग को एक शॉट्स दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, क्या आप लोग को भी हाई क्वालिटी थाईलैंड इंपोर्टेड फ्लावर हॉर्न फिश चाहिए तो यहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। हीरक गायन नंबर भी दिया हुआ है और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा मेरे चैनल के थ्रू जाने पर। तो गाइस जा रहे हैं फिर से हम लोग, और अभी इस बार हमारे साथ काफी सारे लोग हैं, तो इधर फिशिंग करके मजा आने वाला है। क्या हुआ? अभी मैं आया हूँ दीप ज्योति के विलेज में, ठीक है, और यहाँ पर गाइस हम लोग करने वाले फिशिंग, मैं लेकर आया हूँ थ्रोइंग नेट। तो थ्रोइंग नेट फर्स्ट टाइम लेकर आया हूँ दीप ज्योति के विलेज में, तो देखते हैं गाइस कैसे फिश मिलते हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा पानी कम होना रिवर में, तो रिवर में थोड़ा पानी कम होने की वजह से गाइस बहुत ज्यादा फिश मिलने की उम्मीद है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दीप ज्योति लोग का गाय एंड बहुत ब्यूटीफुल है ये गाइस, इसका फर्स्ट किट ये है, ये सेकंड है, बहुत प्यारा है, थर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसके पेट में थर्ड है। नया मेहमान। तो ड्रोन भी लेकर आए और यहाँ का नज़ारा तो ड्रोन से लेना ही पड़ेगा, है ना। ड्रोन भी लेकर आया हूँ और ड्रोन से इस जगह का नज़ारा नहीं लिया तो क्या लिया, है ना। मसूर दाल की खेती दिखाना है, ये देखो ये सब मसूर दाल है, उनकी खेती हो रही है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लो गाइस, कुछ ऐसे होता है एंड देन आई थिंक फ्लावर्स आते होंगे इसमें, फिर इसमें मसूर दाल लगता है। देखो पूरा मसूर दाल की खेती है, पूरा मसूर दाल की खेती। जगह देखो यार, एकदम ग्रीनरी, घना जंगल, लोगों ने यहाँ पे लकड़ी वगैरह, ठंडी का मौसम चल रहा है ना, काट काट के रखा है। बहुत आगे चलना पड़ रहा है आगे जाकर, आई थिंक यहाँ पे बहुत बार्ब्स है, वही बोल रहा था कि बार्ब्स है, तो पहले बार्ब की फिशिंग करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। जब बहुत लोग आते तो मजा आता है ना एक साथ।
बंदर देखा है इन लोगों ने यार, बंदर होते हैं तो थोड़ा डर लगता है ना गाइस, मोबाइल वगैरह डर लगता है ना गाइस, तो इसलिए रुक गए थे। मुझे तो भाई बंदरों से डर लगता है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि डर लगता है यार, यहाँ पे बहुत मंकीज है ना। हम लोग ऐसे पहले जगह पे आए क्योंकि पानी इस सीज़न में ना पानी कम हो जाता है एंड मछलियाँ बहुत आसान से पकड़ सकते हैं हम लोग। है क्या छोटे फिश होंगे तो पकड़ना मुश्किल है, ने बोला था कि नहीं पहले निकाल तो सही। राहुल थोड़ा सा पानी उठा के लेके आ, तो एकदम बहुत मत उठ चलो, छोटे छोटे बहुत मत उठ चलो, गोरा मस्त को क्या स्नेक हेड आई थिंक वहां पे छोटे वाले बहुत सारे उठे रे। रुक थोड़ा पानी लाना राहुल, ज्यादा नहीं, इंडेंजर मस्त, ए जी गोरा मस्त, इंडेंजर मस्त, जे जे मस्त उठो उठा राहुल, देखा काफी छोटे छोटे, बढ़िया देखते हैं। ओ ये दिखा, ये कौन सा है, थोड़ा साफ कर, थोड़ा साफ कर, नहीं स्नेक हेड है कि क्या है, गोराई गोराई कोई ना, गोराई मास एकदम टाटका, अरे लेकिन राहुल मास था मैं यार को तो मारा छी, अरे यहां पे ये बैडी से सर, ये देख ये देख ये रहा, ये अरे ये देखा यही तो है, उठा इसको, वहां पे ट्राई किया था उसने, अभी आगे देख रहा है, यहां पे स्नेक हेड मिलने का बहुत चांसेस है, ऑल्सो चना फिश मिलने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, देखते हैं। अच्छे फिश आए बोल रहा है, काफ़ी सारे, बड़ा आया क्या कुछ? हाँ बड़ा वाला फिश, बार्ब चला जा देखते हैं। हाँ ओह नाइस नाइस, चला पूछी दे, बढ़िया है, और देखते क्या है, दिखा 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 दिखा, साइज दिखा, यहाँ पे भी एक है, बाद में दिखाएंगे, बड़ा है क्या, सही में हम लोग जा ही रहे थे, बोला कि स्नेक हेड उठाए, चना नहीं उठाए क्या, ओ ये हाँ ये तो मेरा फेवरेट फिश है, दिखा साइज, साइज बड़ा है, ये रहा वो छोटा है, एकदम छोटा है, लेकिन और क्या है? दिखा उठा दो, ओ ये स्नेल कौन सा है रे, मास मास ना, अरे ये छोटा वाला उठा, ओ तो काटना नहीं, ये सब रिवर के ही ब्रांचेस हैं, यहाँ से पक्का रहेगा शायद, पानी तो कम हो गया वैसे। चलो गाइस रिवर तो हम लोग पहुँच गए, होपफुली कुछ बड़े फिश हाथ लगे, जैसे कि आजकल मुझे मिल रहे बड़े फिश, पानी इतना साफ है, फिश मिलेगा क्या यहाँ पे, कितना क्लियर वाटर यार, नहाने का तो मस्त जगह है, ये देख इधर इधर घूम रहे फिश, देख ये रहा, ये सब देख, ये सब देख, ये बड़े बड़े यहाँ पे, इधर आ इधर इधर देख, एक मिला है उसको, ये पूरा ब्लू वाटर है ना, वाव यहाँ से पूरा पानी आ रहा है, ये देखो यार पानी कितना साफ है, मैं सामने जाऊँगा, वाव क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाव यार क्या पानी है, पानी कितना साफ है, देख रहे हो गाइस, वाटर शॉट लेना है बिकॉज इतने बड़े बड़े फिश मैंने देखे हैं, पानी आप देखो ना, क्या साफ पानी है ना, देखो गाइस पानी देखो, गाइस ये वाला प्लेस, बिहार में तो पूरा वाटर है, यहाँ पे नहाने में जो मजा आएगा ना आप देखो, पूरा ब्लू है, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा सही में, गाइस ये पानी देख के दिल खुश हो गया मेरा, सही में अभी गंदा हो जाएगा।
वो मछली देखो ना अभी भी है। वाटर देखना सुखले वाटर। कॉर्नर में मार, कॉर्नर में मार, कॉर्नर में। ए तू गेली का कॉर्नर में मारना था। हाँ सब भाग गया अभी। आप रे क्या साइज, बहुत बड़े बड़े फिश थे। पानी देख रो एकदम ऐसे 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 सब पूरा फ्लोट कर रहे हैं। नहीं रहा है मुझे कुछ भी। आसे, आसे, आसे। है ना, एक तो आए रहेगा। ओ राहुल पैसे आ गए, पैसे को इतना सुनो। कहाँ है जी? यही साइज देखा था क्या? देखो बेर का पेड़ कितना ज्यादा बेर लगा हुआ है और बहुत टेस्टी भी है। कौन सा लो, ये लो क्या? ये मस्त है, पूरा पेड़ है इतना बड़ा, बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअली। और देखो कितना बेड़ लगा हुआ है, लोग खाते ही नहीं है। एक खा के देखता हूँ। मीठा है बे, बहुत टेस्टी गाइस। सब लोग खा रहे हैं, पका भी है नीचे, बहुत सा गिरा है। मेरे को सही में बहुत टेस्टी लगा गाइस, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। नीचे तो कितने गिरे हुए हैं, नीचे तो कितना गिरा हुआ है। ये चार लेके जाना, खाऊंगा ये भी। इधर लेके आ, लेके आ, लेके आ, इधर लेके आ। कितना बड़ा है देखा। तो ये कुछ और ही फिशर है। ये गाइस डकवीट का रिवर, बिलीव हो रहा है आप लोगों को? ये देखो डकवीट का रिवर ही है यार ये, चलो चलते हैं गाइस। बेड वगैरह ले लिया है यहाँ पे, कुछ फिश वगैरह ले लिया है, ड्रोन भी हमने आपको दिखा दिया है, चलते हैं ना गाइस। हम लोग जा रहे हैं वापस, हो गया हमारा फिशिंग। बड़े वाले फिश तो नहीं मिले लेकिन हमें स्नेकहेड्स तो कुछ मिले, और गाइस हम लोगों ने नेचर इन्जॉय किया तो वो काफ़ी अच्छा लगा। आई थिंक मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुका हूँ, देखो कितना सुंदर है ना, बहुत सही है। दोनों तरफ ना सुपारी का पेड़ है और ये बीच में से एक इस तरीके का एकदम पतला रास्ता, मस्त लगता है यहाँ से जाकर। इस हम लोग फिश लेकर आ गए और ये अपने स्पॉन में छोड़ रहा है, एक एक करके छोड़ दे। ये है हमारा स्नेक है, देखो हाँ बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और दिखा, स्लोली दिखा, और स्नेक है तारा कहाँ गया? है छोटा वाला किधर है? छोटे छोटे फिश, स्नेक हेड छोटा वाला, इधर बोलो तो को वही तो कहाँ है? आई थिंक वो कूद गया, सिर्फ एक ही तेरे को मिला अभी छोटा वाला। गाइस दो पकड़े थे आई थिंक वो निकल गया, लेकिन इसका पैटर्न बहुत सुंदर है। कहाँ है? नहीं मिल रहा है ना, ठीक है चल। बड़ा वाला कूद गया शायद ना, ठीक है। वो सारे भी फिश गाइस हम लोग ने यहीं पे छोड़ा, कुछ यूनिक अगर मुझे मिलता तो मैं लेता। स्नेक हेड मिला था, अच्छा है पैटर्न, हम लोग ने यहीं पे छोड़ दिया, आपने देखा है। तो ऊपर से और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ ये वाला जो पॉन्ड आप देख रहे हो 20 रुपीज का पॉन्ड है, ठीक है 20 रुपए में प्लास्टिक, सॉरी 20 रुपीज का प्लास्टिक है और कुछ भी नहीं, बाकी ये सब कुछ जो है यहाँ से जुगाड़ करके किया हुआ है। ये प्लास्टिक पीस ने बहुत ही मतलब 20 रुपए का यूज किया है। आप चाहो तो 100 का भी अगर प्लास्टिक यूज करोगे फिर भी आपको 100 रुपए में पॉन्ड मिल रहा है भाई, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी करने वाला हूँ ऐसा कुछ, स्पेशली फॉर गप्पी फ्राइज गाइस। गप्पी फ्राइज को ब्रीड करने के लिए ऐसा पॉन्ड बहुत यूजफुल होगा। पानी का लेवल हम इतना ही रखेंगे, इतना ही इतना और मस्त होगा राइट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कुछ तो नॉलेज मिला भी होगा फ्लावर हॉर्न के बारे में, या फिर तो आपको खरीदना है तो आपको कुछ तो कांटेक्ट मिला है तो फ्लावर हॉर्न भी खरीद सकते हो, एंड प्लस आपको विलेज फिशिंग भी दिखा दिया। एक ही वीडियो में मैंने दो चीज़ दिखाने की कोशिश की, एंड अब नए वीडियोज लेकर आऊंगा एकदम बढ़िया। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।